पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की हर संभव कोशिश करने के बाद जब भारत ने देखा कि कहीं कुछ नहीं बदल रहा, तो मोदी सरकार ने फैसला कर लिया कि अब पाक को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे वो सरहद हो या शहर, जिसका असर वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट 2019 में देखने को मिला। राज्य सरकार ने पाकिस्तान के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को समिट में आने पर रोक लगा दी। बता दें कि इससे पहले 9वीं गुजरात वाइब्रेंट समिट में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया था, जिसको लेकर विवाद खड़ा होने की संभावना थी। एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य सचिव जयंत सिंह ने स्वीकार किया कि वाइब्रेंट समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान बिजनेस डेलीगेट्स को गुजरात चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से आमंत्रित किया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर व्यापार बढ़ता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, लेकिन सरकार ने पाकिस्तान को कोई सीधा निमंत्रण नहीं दिया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज सुबह अहमदाबाद में फ्लावर शो का उद्घाटन किया और मीडिया से बातचीत में कहा कि वाइब्रेंट समिट में पाकिस्तान का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अमेरिका, चीन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आगे पाकिस्तान पहले से ही हाथ फैला चुका है, जिसमें अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद ना मिलती देख पाकिस्तान दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसके बाद इमरान खान सरकार सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित अपने मित्र देशों से आर्थिक मदद के लिए संपर्क कर रही है। वहीं गुजरात समिट से बाहर होना पाकिस्तान के लिए एक झटके से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का बाजार बहुत हद तक भारत पर निर्भर करता है। भारत सरकार की साफ नीति रही है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। एक तरफ केंद्र सरकार ने बायलिटरल डायलॉग से पहले पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकवाद पर रोक लगाने की मांग की थी, वहीं अब गुजरात ने समिट से बाहर करके ये बता दिया कि हिंदुस्तान अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।